हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना प्यार सहयोग हमें ज़रूर दीजिए। इसके लिए हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज हम लेकर के आए हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। एक बार खाने के बाद आपको बार बार बनाने का जी करेगा, मन होगा, मन नहीं भरेगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और चलिए अब हम बनाते हैं सब्जी। तो सबसे पहले हमने आलू को कच्चा ही काट करके ले लिया है, साथ में 3 बराबर टमाटर लिया, लहसुन लिया और प्याज ले लिया है। लहसुन भी हमने पूरा लिया है क्योंकि लहसुन से आलू टमाटर सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद हमने गैस पर कढ़ाई को डाला। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुआ तो हम सरसों तेल डाल दिए हैं। इधर लहसुन और एक बड़ा प्याज लिया है, उसका हम पेस्ट बना लेंगे। इधर तेल डाले थे तो तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम इधर ये टमाटर है और ये आलू है, ये पेस्ट बन चुका है। तो हम कढ़ाई में सरसों का फरन लगाएंगे। जैसे ही सरसों चटक जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू को। आलू कच्चा है छिलका के साथ। इस तरह से बनाने पर बहुत ही टेस्टी बनता है सब्जी आलू टमाटर के। गैस को हम मध्यम फ्लेम रखेंगे और आलू को फ्राई करते रहेंगे 5-5 मिनट पर। 2-3 बार फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दिए हम 1 चम्मच पूरा भर करके है हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड किए लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। आधा चम्मच है धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिक्स मसाला पाउडर जिसमें बताते हैं जो इसमें सब कुछ मिक्स रहता है, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए हैं आलू टमाटर जितना है उस अनुसार। और मसाला आलू को अब मिक्स करेंगे। मसाला सूखा हुआ है इसलिए हम इसमें हल्का सा पानी, पहले तो ये पेस्ट बनाया है उसको ऐड कर दिए। और इसके बाद अब जार को हम पानी से थोड़ा धो करके पानी ऐड कर दिए हैं। अब आलू मसाला को फ्राई करेंगे। गैस ना लो ना हाई रखेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे ताकि सब्जी अच्छा से तैयार हो। और अब इसमें हम ऐड कर दिए टमाटर को। टमाटर पूरा है
आलू टमाटर की सब्जी में आप पूरा टमाटर दीजिए और लहसुन थोड़ा ज़्यादा दीजिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगा। खाने से मन नहीं भरेगा। पानी डाल दिए हैं ताकि मसाला आलू टमाटर सब फ्राई होगा। टमाटर फ्राई होगा तो सॉफ्ट होकर गलना शुरू हो जाएगा और मसाला साथ में फ्राई होता रहेगा, बराबर चलाते रहेंगे हम। एक बार जरूर बना करके देखिएगा इस तरह से सब्जी। अब गर्म हो चुका है सॉफ्ट टमाटर, गलना भी शुरू हो जाएगा। चला करके कुछ देर के लिए ढक देंगे। टमाटर से थोड़ा पानी बना है ग्रेवी। थोड़ा सा पानी हमने डाला था हल्का सा और अब ढक दिए हैं। सब्जी उबल रहा है, उबलने के साथ मसाला भी फ्राई हो रहा है और टमाटर भी कुछ टुकड़ा तो गल करके मिक्स हो गया पर कुछ टुकड़ा है जो इसी तरह से फ्राई होते होते गल जाएगा और ग्रेवी बन जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर दिए ग्रेवी के अनुसार पानी, क्योंकि अच्छा से फ्राई हो चुका है। ढक देते हैं, जैसे ही उबल करके सब्जी बन गया है, आलू भी देखते हैं पक सीज गया होगा। आलू पक चुका है, ये थोड़ा टमाटर का टुकड़ा है उसको हम थोड़ा छलनी से इसको मिला लेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना हुआ है। तो इस तरह से हमने सब्जी बनाया। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हमारा सब्जी भी बनकर तैयार हो गया है। ये रहा सब्जी हमारा बनकर तैयार है। टमाटर सॉफ्ट होकर के मिल गया सब्जी में,
बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बना है। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ।